नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के चलते तिहाड़ सहित दिल्ली की सभी जेलों में अलर्ट, बनाए गए आइसोलेशन वार्ड। कोहली ने कोरोना वायरस महामारी से एहतियात बरतने की लोगों को दी सलाह। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 83 हुई। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान में बंद हुए स्कूल कॉलेज, सीएम गहलोत ने कहा शादी में लोगों को कम बुलाएं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, यहां कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम, भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद। यस बैंक से 18 मार्च को हटा ली जाएगी कैश निकासी पर लगी लिमिट। सीएम कमलनाथ सरकार ने बुलाई आपात बैठक, बजट सत्र हो सकता है स्थगित। दिल्ली हिंसा में आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत का पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा, शरीर पर चाकू से हुए थे 12 वार। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 1266 लोगों की मौत, मृतकों की औसत उम्र 81 साल। नवजोत सिंह सिद्धू की नई पारी, यूट्यूब पर किया जीतेगा पंजाब नाम से चैनल शुरू। फारूक अब्दुल्ला ने 7 महीने बाद बेटे उमर से की मुलाकात, भावुक हुए दोनों नेता। भारत सरकार ने की संस्कृत सहित 9 भाषाओं में वेबसाइट के नाम की बुकिंग। कोरोना वायरस के लगते फतेहाबाद में सामने आया संदिग्ध मरीज, इटली से आए हुए 2.5 साल के बच्चे के लिए सैंपल। मंत्री अनिल विज की नसीहत, तरह तरह के जीव जंतु खाकर मानव जाति के लिए खतरा पैदा ना करें। सिरसा के डबवाली में असामाजिक तत्व ने फैलाई कोरोना वायरस का मरीज मिलने की अफवाह, हेल्थ विभाग ने कार्रवाई के लिए पुलिस को दी शिकायत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें सच कहूं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।